दुर्ग के बोरसी आजाद चौक में अनाधिकृत रूप से एयरटेल मोबाइल टावर लगाए जाने से आक्रोशित वार्ड की महिलाओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही इस विषय को लेकर आगे लड़ाई लड़ने की बातें कही। दुर्ग के आजाद चौक ग्राम बोरसी के घनी बस्ती में निवासरत वार्ड वासियों ने सघन आबादी के बीच एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने से आक्रोश जताया है और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ आजाद चौक ग्राम बोरसी के निवासियों ने अपनी बात रखी। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वार्ड के सघन आबादी के बीच वार्ड के ही जितेंद्र साहू द्वारा ग्रामवासियों एवं आसपास अपने पड़ोसियों को बिना सूचित करे एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने की बात कही है। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। हम लोग आए हैं तो हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। वो अपने अपने जमीन पे खुद अनुमति के साथ खड़ा किया है, पर हम लोग उसको हटवाना चाहते हैं। तो हम लोग आए थे मैडम के पास, कलेक्टर महोदय के पास, तो वो बोल रही है कि ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता नहीं बोली है, आवेदन आगे बढ़ाएंगे करके बोली है, और ऐसा कुछ बोली जिससे हम लोग सहमत नहीं है, निराश हो गए हैं। तो हम लोग को वही अब ये बोली है कि ऐसा कुछ नहीं होता, रेडियम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े बड़े शहरों में हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को मोहल्ले वासी को क्या दिक्कत होगी, ऐसा बोली है। तो हम लोग उनके इस बात से संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग आगे अगर मैडम नहीं कही कि हम लोग उनके बात से सहमत नहीं है, मतलब खुश नहीं है, हमें निराशा लगा। तो हम लोग अगर मैम आगे नहीं बढ़ाएगी बात तो हम लोग आगे ऊपर तक जाएंगे। नहीं लगा, सही नहीं लगा। हमको एक आए हैं तो थोड़ा वो देना था उनको कि आगे देखेंगे करेंगे ऐसा करके, पर वो नहीं बोली, हम लोग को अच्छा नहीं लगा उनके पास। अभी जाएंगे सर ऊपर तक सीएम के पास, अपना आगे बात करेंगे। हम बोरसी गांव दुर्ग बोरसी वार्ड क्रमांक 52 बस्ती से आए हैं, जो कि आज़ाद चौक में प्राइवेट जमीन में किसी के घर के अनुमति से वहाँ टावर लगवाए हैं, और उस अनुमति में हम गाँव वासियों लोगों को पाबंदी है कि वहाँ टावर नहीं लगाना चाहिए। इसी कारण हम लोग कलेक्टर मैडम के पास विज्ञापन से अपने आवेदन देने आए थे, तो मैडम ने बोल रही हैं कि वहाँ जब उसको आपत्ति नहीं है तो तुम लोगों को क्यों आपत्ति है घर के। तो हम लोगों से ये है कि रेडिएशन उसका जो है बीमारी फैलाता है, इस कारण से हम लोग वहाँ से टावर हटवाना चाह रहे हैं। ग्रामीणों की पूरी महिलाएँ हम लोग सभी आए हैं कि उस टावर को हटा दिया जाए करके। अगर मैडम ये ऑब्जेक्शन नहीं लेगी तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई जैसे कि मुख्यमंत्री निवास जाके घेराव करेंगे। मैडम का जवाब संतुष्ट? मैडम बोली है कि ऐसा कुछ रेडिएशन वगैरह उसका कुछ नहीं होता, जब बड़े बड़े शहरों में ऐसा रेडिएशन टावर लगा हुआ है तो फिर आप यहाँ क्यों आपत्ति हो रही है आप लोगों को। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।